कान्हा जी, आप प्लीज मेरे पापा को बोल दोगे कि वो मेरे लिए एक न्यू साइकिल दिला दे। मैं बहुत 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 पढ़ाई करूंगा, प्लीज कान्हा जी, प्लीज। अरे पंकज जी, अरे कैसे हैं सर? आइए आइए, प्लीज कान्हा जी, प्लीज। अरे ये बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। अक्षो। हाँ पापा। आओ बेटा, अंकल से मिलो। आओ बेटा। भाई साहब पानी लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ तो बेटा, आप अंदर क्या कर रहे थे? अंकल मैं कान्हा जी से प्रार्थना कर रहा था कि पापा को बोल दो मुझे नई साइकिल दिला दे। तो बेटा पापा से साइकिल मांग लेते, भगवान से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अगर मैं प्रार्थना करता हूँ ना तो फिर कान्हा जी मेरा काम और जल्दी करा देते हैं। अच्छा चलो जाओ आप खेलो। अरे रक्षक जी, ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? अरे उसे साइकिल चाहिए तो साइकिल दिला दो ना। ये क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है? भगवान थोड़ी ना साइकिल देंगे उसको आके। भाई साहब दरअसल ये सब इसको इसकी माँ ने सिखाया है। अगर ये बचपन से ही नहीं सीखेगा कि भगवान का क्या महत्व है तो बड़ा होके क्या करेगा? भाई साहब मैं समझा नहीं, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब कल को आप रहो ना रहो, कल को मैं रहूँ ना रहूँ, पर भगवान तो इसके साथ रहेंगे ना। आप तो जानते हैं भाई साहब मेरे पास क्या ही था। मेहनत तो हम कब से कर रहे थे पर भगवान का धक्का लगा और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भाई साहब मैं भी चाहता हूँ कि यही विश्वास यही आस्था मेरे बच्चे में भी बने। वो भी ये समझे कि मेहनत तो करनी ही करनी है लेकिन भगवान के सहारे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की जुबान पर भगवान का नाम आए। ये माँ बाप की तो जिम्मेदारी है कि बच्चे को धर्म की शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। अगर बचपन से इसको ये नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर ये इनको मानेगा ही नहीं। भाई साहब आप तो अच्छे से जानते हैं कृष्ण जी की लीला को। आज हम जो भी हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। ये बच्चे को क्या पता कि हमने क्या स्ट्रगल किया है, इन्हें क्या पता हमने क्या मेहनत करी है इनके लिए। कल को मेरा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो किसी भी मुसीबत में हो, इसको ये पता होना चाहिए कि भगवान इसको हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। और आपको तो पता ही है भाई साहब, दोस्त यार रिश्तेदार एक समता के साथ होते हैं लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। बस यही विश्वास मैं अपने बच्चे में डालना चाहता हूँ। अगर वो अच्छे समय में भगवान को याद रखेगा तो भगवान भी तो उसका बुरे समय में साथ देंगे ना। मैं चाहता हूँ कि ये समझे कि जब आप मुसीबत में होते हो तो भगवान एक ऐसा सहारा है जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल देता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेहनत करता रहे और भगवान को याद करता रहे। और वैसे भी श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। तो मेहनत करना इसका काम है और आगे पहुंचाना कान्हा जी का। बच्चों को ये जरूर बताएं कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं।